जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो जाएं, और 9, 10, 11, 12 के इम्तिहान मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए। ओ लेवल के इम्तिहान जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे। कोरोना का बढ़ता खतरा, वफाकी वजीर तालीम का 15 जून तक मुल्क भर में तमाम इम्तिहान मुलतवी करने का ऐलान। ए लेवल के इम्तिहान अक्टूबर नवंबर में होंगे, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान जुलाई अगस्त में मुतवक्के। मई के आखिरी हफ्ते में हालात का जायजा लेकर आइंदा का लाइहे अमल तय किया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद, सिंध काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए आर्मी की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी में पाक फौज के दस्ते का रेंजर्स और पुलिस के हमराह फ्लैग मार्च। लाउड स्पीकर पर SOPs पर अमल दरामद के ऐलानात। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और रेंजर्स का एक्शन। 4 बैंक और मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं, 7 अफराद गिरफ्तार। इम्तियाजी सलूक होगा ना ज्यादती, जहांगीर तरीन के मामले पर वजीर आजम ने कमीशन बनाने का अपने ही पार्टी अरकान का मुतालबा मुस्तरद किया। तरीन के हामी 29 अरकान से मुलाकात में कहा वो खुद सारी सूरत हाल देखेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। फवाद चौधरी ने मुलाकात की कहानी सुना दी। राजा रियाज कहते हैं उन्हें वजीर आजम पर पूरा भरोसा है। कश्मीर के मामले पर साजिश की बू आ रही है, भारत से बातचीत का ये मतलब नहीं कि आप कश्मीर का सौदा करके आ जाएं। मरियम नवाज की हुकूमत पर गोलाबारी, ये भी कह दिया कि आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की कोशिश हुई तो मुजाहमत करेंगे। जावेद लतीफ की गिरफ्तारी पर कहा जो कुछ उनके साथ हो रहा है इस सब की मजम्मत करती हैं। और PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए ऑनलाइन ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। कराची किंग्स ने मार्टिन गुप्टल को पिक कर लिया। आंद्रे रसल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलेंगे। उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। महमूद अल्लाह मुल्तान सुल्तान्स और शकीबुल हसन लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे।